लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, झाड़ू एक ऐसी वस्तु है जो हर घर में पाई जाती है, जो हमारे घरों से मलिनता और गंदगी को बाहर करती है। ये हम सभी जानते हैं कि जिन घरों में स्वच्छता होती है उन घरों में माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए झाड़ू को माँ लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। पर कुछ ही लोग ये जानते हैं कि झाड़ू के सही इस्तेमाल से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। आज हम आपको वास्तुशास्त्र में बताई गई झाड़ू से जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें बताएंगे। अगर आपके घरों में धन नहीं ठहरता, क्लेश बढ़ता जा रहा है, नकारात्मकता का माहौल रहता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानिए ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको जल्द से जल्द सुधारनी चाहिए। कई बार हम जाने अनजाने में कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिनसे माँ लक्ष्मी हमसे रुष्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जीवन पर उसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर हम समय रहते उन कृत्यों को जान लें और उनको सुधार लें तो आपके घर में भी धन, वैभव, सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का आरंभ होना शुरू हो जाता है। तो आइए जान लेते हैं झाड़ू से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जो आपके लिए बहुत लाभदायी बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सबसे पहली बात, झाड़ू को कभी भी खुला मत रहने दीजिए। जिस प्रकार हम अपने धन को सदैव छुपाकर और संभाल कर रखते हैं, उन्हें लोगों की नजरों से दूर रखते हैं, ठीक उसी प्रकार झाड़ू भी धन की देवी माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। इसलिए झाड़ू को सदैव पराये लोगों की नजर से छुपाकर किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां कोई झाड़ू को देख न पाए। इससे आपके घर की बरकत आपके घर में ही रहती है और बाहरी कोई बुरी नजर उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाती। दूसरी बात, नकारात्मकता को दूर करने के लिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके घर में क्लेश, नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर जैसे कोई टोटके हो रहे हैं, तो इसका सरल उपाय ये है कि रात के समय झाड़ू को अपने मुख्य द्वार के सामने रख दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी, किंतु झाड़ू पुरानी, टूटी हुई, बहुत ज्यादा घिसी हुई या गीली नहीं होनी चाहिए। इससे उल्टा असर भी हो सकता है और नकारात्मकता भी बढ़ सकती है। घर में झाड़ू समय समय पर बदलते रहने चाहिए। पुरानी और टूटी हुई झाड़ू से आपके घर की हालत भी बिखरना शुरू हो जाती है। या एक छोटा सा उपाय ये है कि झाड़ू को हमेशा शनिवार के दिन खरीदना चाहिए या नया झाड़ू शनिवार के दिन ही इस्तेमाल करें, ये बहुत ही शुभ माना गया है। तीसरी बात, झाड़ू लगाने का सही समय। आप झाड़ू को सुबह इस्तेमाल करें, जिससे रात की जितनी भी निगेटिव एनर्जी होती है वो बाहर निकल जाती है और घर में सुख समृद्धि आती है। किंतु संध्या के समय झाड़ू का प्रयोग ना करें, इससे घर में आई सुमति भी घर से दूर चली जाती है। अगर आपके घर में कोई शुभ प्रसंग, खुशखबरी या कोई व्यक्ति अच्छे काम के लिए घर से बाहर जा रहा हो तो उस वक्त कृपया झाड़ू का प्रयोग ना करें, इससे शुभ कार्य में अड़चन आ सकती है। साथ ही झाड़ू को खड़ा करके भी ना रखें, इससे निगेटिविटी घर में जल्दी प्रवेश करती है। चौथी बात, झाड़ू किस दिशा में रखना उत्तम माना गया है। दोस्तों, झाड़ू को हमेशा घर में पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके रखना चाहिए। प्रसंग, खुशखबरी या कोई व्यक्ति अच्छे काम के लिए घर से बाहर जा रहा हो तो उस वक्त कृपया झाड़ू का प्रयोग ना करें, इससे शुभ कार्य में अड़चन आ सकती है। साथ ही झाड़ू को खड़ा करके भी ना रखें, इससे निगेटिविटी घर में जल्दी प्रवेश करती है। चौथी बात, झाड़ू किस दिशा में रखना उत्तम माना गया है। दोस्तों, झाड़ू को हमेशा घर में पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके रखना चाहिए। पर ध्यान रहे, अगर रसोई घर या अनाज घर या जहां पर आप रसोई खाते हैं तो वो कमरा या जगह पश्चिम दिशा में ही क्यों ना हो, वहां पर झाड़ू कभी ना रखें। पश्चिम दिशा झाड़ू के लिए सबसे उत्तम है, उससे वास्तु दोष कम हो जाता है। पर ध्यान रहे, खाने या रसोई की चीजों से झाड़ू को दूर ही रहने दें, इससे अन्न का अपमान होता है और मां अन्नपूर्णा क्रोधित हो जाती है। पांचवी बात, झाड़ू किसी से उधार ना लें। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कभी भी किसी और का झाड़ू उधार ना लें।
या अपने घर में उस झाड़ू से पोछा ना लगाएं। ये दूसरों के घर की मुसीबत और नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर में लाने के समान हो जाएगा। कृपया इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपके घर का झाड़ू आप खुद खरीदें और किसी और को इस्तेमाल करने के लिए भी ना दें। और अगर कोई व्यक्ति आपको झाड़ू खरीद कर देने की जिद करें तो समझ जाइए कि उसमें जरूर कोई नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है। ऐसी चीजों से बचने के लिए किसी के घर का या पैसों का झाड़ू कभी ना लें। धन की परेशानियों से बचने के लिए झाड़ू के निमित्त एक छोटा सा प्रयोग भी किया जाता है। जब भी आप नए घर में प्रवेश करते हैं तो नई झाड़ू लेकर ही अंदर जाना चाहिए, ये अच्छा माना जाता है। और जो पुराने घर में आपने झाड़ू यूज किया है उसको फेंकना नहीं है, बाद में उसको भी ले आइए, कुछ समय के बाद हटा दीजिएगा। लेकिन पुरानी झाड़ू को आप वहीं पर छोड़कर मत आइए, नहीं तो लक्ष्मी वहीं रह जाएगी। नई झाड़ू लेकर प्रवेश कीजिए, बाद में उसको भी ले आइए और फिर कुछ दिन यूज करने के बाद हटा दीजिएगा। जब आपको लगे कि घर में परेशानी ज्यादा है तो आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किसी भी मंदिर में झाड़ुओं का गुप्त रूप से दान कर सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे थे झाड़ू के नीचे रात में क्या छुपा कर रखें कि धन की देवी लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे। जब रात में आप झाड़ू को रखते हैं तो हमेशा ही घर के मुख्य दरवाजे के अंदर झाड़ू रखें, यानी दरवाजे के पास लिटा कर रखें, खड़े मत रखिएगा, और झाड़ू दरवाजे की तरफ हो। जैसे कि नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करें तो झाड़ू मार के भगा दें, तो इसीलिए इस तरह से झाड़ू रखा जाता है। और दूसरी बात, इसे सिर्फ रात में ही मुख्य दरवाजे के अंदर रखिएगा, दिन में वहां मत रखिएगा। जब झाड़ू आप वहां रखेंगे तो झाड़ू के नीचे दो चार दाने जीरा डालकर रखें, ज्यादा बर्बाद नहीं करने हैं, सिर्फ दो चार दाने। सुबह जब आप झाड़ू लगाइएगा तो इस जीरे के साथ घर की सफाई कीजिए और इस जीरे को भी झाड़ू लगाकर कूड़े के साथ बाहर फेंक दें, इससे जीवन की धन की मुश्किलें दूर होती है। बहुत बार लोग ऐसा करते हैं कि कांटे वाले पौधे के झाड़ू यूज करते हैं, ऐसा झाड़ू मत यूज कीजिएगा, वरना जीवन में कई चीजें नुकीली चीजों की तरह चुभेगी, यानी कष्ट बढ़ेंगे, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और जब भी आप मंदिर में झाड़ू का दान करें तो एक बात याद रखें, या तो एक की संख्या में करें या फिर तीन झाड़ू दान कीजिए। जोड़े की संख्या में कभी भूलकर भी झाड़ू मत खरीदिएगा, ये अच्छा नहीं माना जाता। एक और चीज है, कभी कभी छोटे बच्चे अचानक से झाड़ू लगाने लगते हैं तो इसका मतलब है घर में कोई मेहमान आने वाला है, तो पहले से आप तैयारी शुरू कर दें। ये थी झाड़ू से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें। अब हम आपको एक और खास टोटका बताएंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ज्यादा पुराना झाड़ू मत यूज कीजिए, नहीं तो आप जितना झाड़ू का पैसा नहीं बचाएंगे उससे कहीं ज्यादा खर्च हो जाएंगे, कहां खर्च होंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। मोरपंख के झाड़ू से, या अगर आपके घर में मोरपंख है तो उसको लेकर सुबह के समय या फिर शाम के वक्त आप किसी बच्चे को झाड़ देते हैं तो उनकी नजर उतर जाती है। अगर आप मोरपंख के पंखे से भगवान को हवा करते हैं तो इससे सकारात्मक ऊर्जा बहती है। मोरपंख के झाड़ू को लेकर पूरे घर में घूमते हैं तो सकारात्मक ऊर्जाएं बह चलती है। झाड़ू में हैंडल में लाल मौली धागा या सफेद धागा बांधें, ये लक्ष्मी को स्थिर करता है। हमेशा याद रखिएगा, झाड़ू में कभी पैर नहीं लगाना है और ना ही खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखें, नहीं तो फिर जीवन में परेशानी बढ़ जाएगी। झाड़ू को हमेशा ढककर और छुपाकर रखें तो अच्छा रहेगा। अपने बेडरूम में झाड़ू और पोछा का कपड़ा मत रखिए, नहीं तो झगड़े समाप्त नहीं होंगे। अगर आपके घर में बहुत लंबे समय से झाड़ू रखी हुई है और उसका कोई प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो ऐसी पुरानी झाड़ू को घर में नहीं रखना चाहिए, इससे वास्तुदोष भी होता है। दूसरा, इसे घर में रखने से झगड़ा लड़ाई कलह क्लेश भी होने लगते हैं। जब भी नई झाड़ू आप उपयोग में लाते हैं तो शनिवार के दिन से उसका उपयोग करें और झाड़ू के हैंडल में जहां पकड़ते हैं उसमें एक सफेद धागा या फिर मौली धागा बांधें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जरूरी नहीं कि पूजा पाठ करना है, बस सिर्फ धागा बांध दीजिए और हमेशा ही झाड़ू को साफ करके रखिए। गीला झाड़ू कभी भी मत छोड़िए, ये बहुत ही बुरा संकेत होता है। और सूर्यास्त होने के बाद झाड़ू और पोछा गलती से भी मत लगाइए,
नहीं तो फिर बुरे दिन शुरू हो जाएंगे, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। और हमेशा ही पोछे के कपड़े को और झाड़ू को ऐसी जगह रखें कि आने जाने वाले व्यक्ति की नजर उस पर ना पड़े। इसके साथ ही रात में सोने से पहले अपने घर में एक चुटकी जीरा ले लें, ज्यादा नहीं लेना है, एक चुटकी। इसमें 10-12 दाने तो आराम से आ जाएंगे। इसको आप अपने घर में कहीं भी, जैसे डाइनिंग एरिया है तो वहीं पर डाल दें, और अगर नहीं डालना चाहते हैं तो झाड़ू के पास रख दें, और सुबह में उस जीरे को झाड़ू के सहारे बाहर करें, पूरे घर से आराम से निकालिए जहां तक जाता है, और निकालकर फेंक दें, तो ये जीरा आपके घर की परेशानियों को हर ले जाएगा। लंबे समय तक इसका प्रयोग करें, धीरे धीरे मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी। और टूटा फूटा झाड़ू बिल्कुल भी यूज ना करें, नहीं तो परेशानी में घिर जाइएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।